हमें डॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और अपने घर में भी एक डॉग पालना चाहते हैं। लेकिन जब डॉग पालना सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आने लगते हैं, जिससे कई बार कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होने लगती है। जैसे डॉग पालने से क्या काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, या कहीं बड़ा होकर डॉग हमें काट तो नहीं लेगा, या डॉग से कुछ बीमारियां तो नहीं लग जाती। तो इस तरह की सारी कंफ्यूजन को आज इस वीडियो में दूर करते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉग बिहेवियरिस्ट एंड डॉग कंसल्टेंट मुकुल आर्य। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले यही आता है कि दिमाग में क्या काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है एक डॉग लेने से। दोस्तों, डॉग लेने से रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं बढ़ती है। अगर हम डॉग से प्यार करते हैं तो हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगी ही नहीं, हम उसके साथ एंजॉय कर पाएंगे अपनी लाइफ को। डॉग को सिर्फ सुबह और शाम घुमाने के लिए ले जाना होता है बाहर, और तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं होती है। या उसको एक साल में एक बार वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर के पास लेके जाना होता है, और कोई इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल डॉग ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ती है। ज्यादा ज्यादा आपको लगता है कि कहीं आपको अगर जाना पड़ जाए तो फिर आप डॉग को कैसे लेके साथ जाएंगे, ठीक है, या क्या करना होगा उसके अंदर। तो अगर प्रॉब्लम्स है तो उसका सोल्यूशन भी है ना। तो अगर आपने कहीं जाना है, आज की डेट में बहुत बोर्डिंग सेंटर है, तो आप कहीं पे भी अपने डॉग को छोड़ सकते हैं। आपने सिर्फ एक फोन करना होता है, वो अपने आप डॉग को घर से लेके जाते हैं, अपने पास रखते हैं, और उसके बाद जब आप आते हो, आप कॉल करते हो, आपके डॉग को आपके घर पहुंचा देते हो। उनके जो भी चार्जेस होते हैं, सबके अपनी फैसिलिटी के हिसाब से अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो ये आपको सर्विस हम हर जगह पे अवेलेबल होती है आज की डेट में। तो ये आप सर्विस ले सकते हो, कहीं पे भी अपने किसी रिलेटिव के पास भी रख सकते हो। और अगर आपके पास छोटे साइज का डॉग है तो आप उसको साथ में लेके भी जा सकते हो कहीं पे। तो ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं है कि इस बात की वजह से कि काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी तो हम डॉग ना लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डॉग पाल सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो। दूसरी बात ये आती है कि क्या डॉग हमें बड़ा होके काट तो नहीं लेगा। दोस्तों देखिए, आपने देखा होगा डॉग काट तो लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओनर को बिना किसी बात के डॉग काटने लगते हैं। अगर आप उसको मिसट्रीट करते हो, ठीक है, उसको खेल उसके साथ खेलते नहीं हो, उसको उसकी और जो नीड होती है वो पूरी नहीं करते, उसकी एनर्जी को चैनलाइज नहीं करते हो आप, ठीक है, वो हर समय बंधा रहता है एक जगह पे, तो उसको एग्रेसिव होने के चांसेस कुछ हद तक रहते हैं। हर डॉग एग्रेसिव नहीं होता, लेकिन फिर भी जब हमने लिया है डॉग तो हमें उसके साथ में खेलना चाहिए, घूमना चाहिए, उसके साथ में मस्ती करनी चाहिए। तो अगर हम उसके साथ में टाइम एक्सपेंड ही नहीं करेंगे, वो पूरा दिन बंधा ही रहेगा, तो उसके अंदर एग्रेशन आने के थोड़े बहुत चांस रहेंगे, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना होता है, खेलो उसके साथ में, उसकी एनर्जी को चैनलाइज करो, कभी डॉग काटने वाला नहीं बनेगा। ज्यादा ज्यादा आप डॉग को स्टरलाइज करा लीजिए, उसके बाद तो डॉग कभी काटते ही नहीं है, बहुत डोसाइल हो जाता है डॉग। तो ये आप इस वजह से भी ये कोई कंफ्यूजन की बात नहीं कि डॉग काटने लेगा बड़ा होके, क्यों काटेगा डॉग, जब आपका डॉग है, आप उसके हाथ में खेलते हो, प्यार करते हो उसको, तो आपको बिल्कुल नहीं काटेगा, ठीक है। आप उसको उसके हाथ में खेलो, उसकी एनर्जी को चैनलाइज करो और उसको स्टरलाइज करा दो, तो फिर तो डॉग बिल्कुल कभी काटते नहीं, बहुत डोसाइल हो जाता है, घर में आसानी से रह पाता है, ठीक है। और थर्ड बात ये रहती है, आपको ज्यादातर लोग उससे पूछते हैं कि क्या डॉग से कोई बीमारियां तो नहीं लग जाती। दोस्तों, कोई बीमारियां नहीं लगती है डॉग से इंसान को, सिर्फ एक चीज रहती है कि कुछ लोगों को डॉग से एलर्जी होती है। तो आप डॉग को घर में लाने से पहले एक दो बार डॉग से मिल लीजिए, आप मिलोगे तो 10 मिनट में आपको अगर कुछ एलर्जी वाली बात होगी तो 10 मिनट में आपकी एलर्जी शुरू हो जाएगी। यानी किसी को कुछ खांसी छींक आने लगती है, या कुछ शरीर में कहीं रेडनेस आने लगती है, तो आप उसी टाइम पता चल जाता है। तो आप लेने से पहले ही आप एक बार देख लीजिए, अगर आपको कोई एलर्जी नहीं तो आप आराम से डॉग को पाल सकते हो, और कोई बीमारियां नहीं लगती हैं, ठीक है। और आपको एक क्वेश्चन आता दिमाग में कि एक्सपेंस कितना आता है डॉग पे, यानी कितना कितना खर्चा हर महीने का बढ़ जाता है हमारा। देखो, इसका ना सीधा सा जवाब है ना आपके पास खुद ही है, आप जितने मर्जी में डॉग को रख सकते हो। आप नॉर्मल घर का खाना देते हो तो कुछ एक्सपेंस नहीं बढ़ता, ठीक है। आप नॉर्मल चावल और वेजिटेबल्स और दही पर डॉग को रख सकते हो, इसमें कुछ ज्यादा खर्चे की बात नहीं है। लेकिन जब आप खर्चे की बात सोचते हो कि आप बाजार से खाने लेके आओगे तो आपका खर्चा फिर बढ़ेगा। उसके अंदर आप सस्ता खाना भी आता है बाजार का, और महंगा खाना भी आता है जो पैकेट फूड होता है,
उसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो पैकेट फूड के अंदर तो काफी सारी कंपनी है, सबने अपनी अपने रेट है सबके, तो आप सबकी क्वालिटी के हिसाब से, तो आप अगर उस तरफ जाओगे तो आप अपने हिसाब से कोई भी पैकेट ले सकते हो, तो वो आप खुद देखोगे इस चीज के। और इससे ज्यादा खाने के अलावा तो कोई एक्सपेंस होते ही नहीं है उसके। ठीक है, आप खुद कर सकते हो, उसको नहलाना है आप खुद नहला सकते हो घर पे। और अगर आप बाहर, अगर आप बेयर कर सकते हो, तो आपको ग्रूमिंग पार्लर काफी खुले हुए, कहीं पे भी लेके जा सकते हो, कुछ भी आप उसको, कुछ कपड़े ला सकते हो, शूज पहना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपके ऊपर है कितना आप एक्सपेंस करना चाहते हो उसके ऊपर। तो आप ये बेफिक्र होकर आप पाल सकते हो कि इसमें कोई ज्यादा खर्चे की बात नहीं। नॉर्मल खाना रखिए, आप उसके साथ जो प्यार करते हो, वो आपका फैमिली मेंबर है, तो आपको नहलाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको, आप घर पे ही नहला सकते हो उसको, और कुछ करना नहीं होता, किसी चीज के लिए बार बार जगह जाना नहीं होता। पर अगर आपके पास, आप खर्चा करना चाहते हो, तो आप कहीं भी जा सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन और आता दिमाग में कि हमें एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि डॉग पालने से कुछ अच्छा होगा, तो क्या वाकई कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा? डेफिनेट होगा, एस्ट्रोलॉजर बोले या ना बोले, लेकिन जब आप डॉग को घर में पालोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, आप डॉग के साथ। देखिए, साइंटिफिक बात है, जब आप डॉग के साथ में खेलते हो, उससे प्यार करते हो, तो आपका ब्रेन डोपामिन हार्मोन ज्यादा रिलीज करता है, आप ज्यादा खुश रहते हो। जब आप ज्यादा खुश रहते हो, ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हो आप, तो आप हर चीज में ज्यादा प्रोडक्टिव रहोगे, आप खुश रहोगे, हर समय टेंशन आपको रहेगी नहीं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बढ़ेगी, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, आपके झगड़े नहीं होंगे किसी से, आप सब अच्छे ही रहेगा आपके साथ में, तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर। अगर आपको डॉग अच्छे लगते हैं, आप उनसे प्यार करते हो, तो आप बेफिक्र होकर डॉग को पाल लीजिए, आपके साथ कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अगर कुछ चीजें आपको लगता है कि मुझे प्रॉब्लम लग रही है, तो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, सब हर चीज के सोल्यूशन है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि कभी डॉग पालूंगा, अरे कभी कुछ नहीं है, आपको अगर अच्छा लगता है तो जरूर पालना चाहिए, अभी फिर कब पालोगे? आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपना डॉग पसंद करके पाल लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा डॉग ठीक रहेगा। तो दोस्तों, आप बने रहिएगा इस चैनल पे, फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।